हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, ये जो हम एम्प्लॉयबिलिटी का एक पेपर लेके आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बिल्कुल नहीं पढ़ी है अभी भी, तो मैं दो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। दो वीडियो हैं, उनको आप जरूर देख लेना। 25 में से 25 करके आओ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो जल्दी से, ठीक है, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अपने यार दोस्त, आप लोग शेयर कम करते हो, जो भी आपके दोस्त हो जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई, आपकी हो गई, तो उनका भला कीजिए, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो वो लोग भी ले सकें। और साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, देखिए इनमें से कौन सा, आप लोग भी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है, चलिए तो इससे और अच्छा होगा। इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है? तो फेसबुक, भारत स्किल, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, भारत स्किल। बी ऑप्शन आप लोग एग्ज़ाम में करके आएंगे, ठीक है, यहाँ से 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, रसायन अवशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना खाली स्थान कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, धारा प्रदूषण, वो या हम कह सकते हैं लैंड पॉल्यूशन, या हम कहेंगे जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो जो भी साथी इसका राइट ऑप्शन एग्ज़ाम में लगाएंगे, यानी कि सही, बिल्कुल सही, आप लोग भी कमेंट करिए, बिल्कुल सही। जो भी साथी ऐसे हैं जो इसका लगा रहे हैं, सी ऑप्शन जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान को खाली स्थान भी कहा जाता है। भारतीय अकादमी, भारतीय संविधान, उपन्यास या खबर। चलिए सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बी ऑप्शन जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर खाली स्थान फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। फेक न्यूज़, संदेश, अभिवादन या फिर गीत। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इन टॉप क्वेश्चन का एनालाइज कर लेंगे, काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो बिल्कुल सही, जो भी साथी लगा रहे हैं फेक न्यूज़, ए ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी साथी सही आंसर लगा रहे हैं, ए ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा खाली स्थान बनाने में मदद करती है। तो कौन करती है? खेल, व्यवहार, अध्ययन करते हैं, किराया। तो जो भी साथी इसका राइट ऑप्शन लगा रहे हैं, बिहेवियर, यानी कि बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन जितने भी साथी कमेंट में लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। प्रशिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण या सुविधा। तो बिल्कुल सही, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर जो भी साथी इसका लगा के आएंगे, वैज्ञानिक, यानी कि जो हमारे साइंटिफिक हैं, इनके द्वारा प्रक्रिया जो है निर्माण की बदल गई है, विकास की। बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका कमेंट बॉक्स में लगा रहे हैं, बी ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य समय के ब्लॉक को खाली स्थान तकनीकी कहा जाता है। डोरो, पोमो, पोमोडोरो या फिर डोमो। चलिए कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, जो भी ऐसे साथी हैं इसका राइट ऑप्शन लगा रहे हैं, कौन सा इसका राइट ऑप्शन लगा रहे हैं, सी पोमोडोरो, बिल्कुल सही राइट आंसर सभी के सभी हमारे भैया लोग, आप ट्रेनी, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, संचार का एक रूप है गैर मौखिक, बोली जाने वाली, लिखित या टेलीफोन। सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए, बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही, एकदम सही, रिटर्न एकदम राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी साथी
सही आंसर लगा रहे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? बताइए, ईमेल, आंखों से संपर्क, या फिर हम कहेंगे हाथ आंदोलन, या चेहरे की अभिव्यक्ति? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए सभी लोग। बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका राइट ऑप्शन लगा रहे हैं, ए ईमेल, बिल्कुल सही, ईमेल वाले ए ऑप्शन राइट आंसर लगा रहे हैं, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, या ड्राइविंग? कमेंट करें सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, ऐसे साथी जो भी हैं जो हमारे लगा रहे हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर का, डी ऑप्शन ड्राइविंग, कौन सा संचार नहीं है? ड्राइविंग, राइट ऑप्शन डी। तो डी वाले जितने भी हैं बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विचारों का आदान प्रदान खाली स्थान के माध्यम से होता है कौन सा होता है? संचार, सुनना, देख रहा है, गायन? कमेंट करेंगे सभी लोग, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाँ कमेंट करिए एक साथ। तो जो भी साथी ऐसे हैं इसका राइट ऑप्शन लगा के आए हैं एग्ज़ाम में, या आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग लगाना ए ऑप्शन, संचार, कम्युनिकेशन, एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं साथियों को, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, संघर्ष आम तौर पर खाली स्थान बनाता है, नकारात्मक भावना, सकारात्मक भावना, खुश भावना, या फिर लड़ाई? चलिए कमेंट करिए, 37 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी साथी लगा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, नकारात्मक भावनाएं, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो जो भी साथी इसका ए आंसर लगा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, प्रश्न हमेशा खाली स्थान के साथ समाप्त होता है, अल्पविराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादबोधक, पूर्ण विराम? यह क्वेश्चन आप लोगों की शिफ्ट में कम से कम ये 24 तारीख को भी आया है और 25 तारीख को भी आया है, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को करवा दिया जाए। तो राइट ऑप्शन जितने भी लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क, बी ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी हमारे ऐसे ट्रेनी हैं बी ऑप्शन लगा रहे हैं। वी हैव टू खाली स्थान इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, लर्न, लिसन, वर्क, नन? बताइए आप, ऑप्शन करिए कमेंट। तो बिल्कुल सही, हमें क्लासरूम के साथ क्या करना चाहिए? लिसन, यानी कि सुनना चाहिए, राइट ऑप्शन बी। बी जितने भी साथी ऐसे हैं जो कमेंट में अभी बी लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है? ऑनलाइन जानकारी ढूंढना, एक फिर से शुरू बनाना, ईमेल के माध्यम से संचार, उपयुक्त सभी? राइट आंसर करेंगे जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर लगा रहे हैं उपयुक्त डी, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में भी आप लोग ऐसे ही मैदान में धुआं धुआं करके आना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? मॉनिटर, एंटीना, वेब कैमरा, माउस? चलिए कमेंट करिए सब लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, जो भी ऐसे हमारे ट्रेनी हैं लगा रहे हैं एंटीना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको आप गलत ना ही करके आना एग्जाम में। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही, जितने भी हमारे साथी हैं जो सी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी, बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो मेरे ट्रेनी। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? चलिए कमेंट करेंगे सभी साथी, कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, 8 नंबर का जो भी साथी लगा रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी ऑप्शन, जो भी हमारे कमेंट भर भर करके आप लोग, देखो आप कमेंट करते रहिए, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इसका लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है? लटकाओ, स्विच ऑन, शटडाउन, बिजली, चालू? बताइए, राइट ऑप्शन करिए जल्दी से, सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे, शटडाउन, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। जो कमेंट में जितने भी हमारे ट्रेनी प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं
बहुत बढ़िया। गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें। पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और आपका जो गुरु दक्षिणा है वो हमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया OS का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को एग्जामिनर रिपीट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी हमारे ऐसे ट्रेनी हैं जो ए आंसर कमेंट बॉक्स में लगा रहे हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं। कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फाइल बनाई जाती है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उपयुक्त सभी। 21 नंबर का कमेंट करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे ऐसे साथी हैं जो लगा रहे हैं, 21 नंबर का डी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या। सेव करने की, तो सेव मतलब S से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है। चलिए कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट लगा रहे हैं, Ctrl+A, बिल्कुल सही, Ctrl+S, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। ले रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को कॉपी करने शॉर्टकट कुंजी क्या। कॉपी करने की, तो जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग, देखो काफ़ी लोग इसका आंसर लगा रहे हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉपी करने, Ctrl+C, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट है। तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखता हूँ कितने लोग आंसर लगा रहे हैं बी, बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सीरीज का। जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसे कहते हैं, इसका जो भी आंसर हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना है। दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ आपसे निवेदन है, अगर आपको 25 में से 25 करना है तो उन दो वीडियो का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। मैं इस वीडियो को लिंक दे दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने यार दोस्त चाहने वालों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।